बोले आपको क्या लगता है हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए? देखो गोला तो बन गया है शक्ति कपूर। मम्मी तुसी की खरीदना है। रखा। आई थिंक मैं शादी में खुश नहीं हूँ भारती। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच हमारे सारे वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए। सो गाइस मैं बता दूं कि अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम रेडी हो गए हैं क्योंकि हमारी फ्लाइट है, हमारी नहीं गोले की फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी टू फ्लाई। सो गाइस हम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके, बड़ी नींद आ रही है और अभी गुस्सा भी आ रहा है अपने आप पे, कितनी सुबह की फ्लाइट क्यों करवाई। अभी तक हमारी नींद नहीं उड़ी, नहीं उड़ी ना नींद, नहीं उड़ी ना। फ्लाइट कभी मत लेना घूमने के लिए। सो हाय गाइस, हम अभी एयरपोर्ट पे हैं, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, गोले ने अपनी थोड़ी सी नींद पूरी कर ली है, हमने गोले का डायपर चेंज करवा दिया है, बस अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, लास्ट कॉल का, तो हमें लेने आ जाएंगे, हम फ्लाइट में जाएंगे, फिर हम शो जाएंगे, फिर उठेंगे सीधा जाकर वहीं बताएंगे जाके, है ना गोले? रुको जरा, सबर करो। गोले मुझे ये बताओ आपको क्या लगता है हम आपको कहाँ? जय माता दी। गोले आपको क्या लगता है हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए? अच्छा ओके, और क्या लगता है आपको कहाँ जा रहे हैं हम? बताओ गोलू। मेरी मम्मी घोड़े हाथी कुत्ते हिरन मुर्गियां बतख सब बेच के सो रही है। इतना ज्यादा अच्छा है विस्तारा का स्टाफ, उन्होंने मतलब इतना अच्छा क्रू है कि गोले का वेलकम करने के लिए। हाउ स्वीट यार। और वो देखिए विस्तारा की नई मम्मी। ये देखो गोला तो बन गया है शक्ति कपूर। हाँ गोला बन गया है स्क्रीन। वेलकम वेलकम वेलकम, आइए गोले। सो गाइस यहाँ पे इतनी गर्मी है कि हमारी हालत खराब हो गई है। तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। ड्राइवर भैया गाड़ी लेके आ रहे हैं, हम लोग सब खड़े हैं यहाँ पे, चलते हैं फिर अपनी जगह पे, है ना? और हम कहाँ पर आए मैंने अभी तक नहीं बताया और ना ही मैं बताऊंगी, वहाँ पहुँच के बताऊंगी मैं, ठीक है? फाइनली हम अपनी गाड़ी में बैठ गए, इतना सारा सामान था कि ये देखो ऐसा जरो बच्चे ना सफर करो, ओ मतलब पंजाबी में ये होता है जब बच्चे के साथ सफर करो। So guys, finally मैं बता देती हूँ, हम आए हैं गोले के साथ उसका फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप करने थाईलैंड। Yeah! So guys, हम बैंकॉक पहुंच चुके हैं, यानी कि थाईलैंड, हम अपने विला में भी पहुंच चुके हैं। विला मैं आपको कल दिखाऊंगी कि अभी हालत नहीं है, मैं तो थक गई भाई साहब और बहुत नींद आ रही क्योंकि हम सुबह से उठे हैं 4 बजे से, 7 बजे हमारी फ्लाइट थी। मम्मी तो भाई लम्मा लेट हो गई है, ये मम्मी का रूम है और ये है हमारा रूम, इसमें हमारे गोला महाराज जी सो चुके हैं।
फाइनली गाइस हम थोड़ा फ्रेश हो गए हैं, वापस आए। मैं कह रही थी ना मुझे नींद, मैं फ्रेश हो गई। सबने मुझे, मेरे अंदर का ज़मीर इतना जगाया कि भारती हम बैंकॉक क्या करने आए हैं, घूमें फिरे शॉपिंग करें, तू सो रही है ये वो। तो हम तीनों बहनें निकल रही हैं मार्केट में, मार्केट में प्रोडक्ट ख़त्म करने, मतलब इतनी शॉपिंग कर लेंगे ना आप देखना। जा रहे हैं अंदर, गालियाँ पड़ रही हैं बाहर से कि जल्दी यार तेरे कारण लेट हो रहे हैं। जा रहे गाइस, मिलते हैं मार्केट में, देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करते हैं। ठीक है, भूख भी बड़ी लगी, मैं तो कुछ खाना पहला जाके। ठीक है, चलो जी। सो गाइस अभी इतना मूड ख़राब हुआ है ना, क्या था मगरमच्छ को भून भून के खा रहे हैं। सो मैं आपको कैसे बताऊं, दिखा सकती हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप जी? बहुत बहुत स्वागत है आपका LOL चैनल में, वो भी सीधा बैंकॉक से, यानी कि पटाया से। तो उठ गए हम सुबह, अभी जा रहे हैं नीचे नाश्ता करने। बोला सर पहले ही उठ गए अपने टाइम पे 9:30 बजे। ये देखिए गोलू, अब देखती हूँ मेरी बहनें उठी हैं कि नहीं। सजना है मुझे आज शॉपिंग के लिए, सजना है मुझे आज शॉपिंग के लिए, आज मैं पैसा उजाड़ूंगी। बार्गेनिंग करके उनके बाल उखाड़ूंगी, आज तो मैं बैंकॉक पटाया लूट लूंगी बस ब्लशर लगा के। गाइज आज मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ, ये जो मेरी दोनों बहनें हैं, ये जो स्टार्टिंग में दिखाई थी ये बड़ी है, उसके बाद वो छोटी वाली, एक्चुअली मेरी ये दोनों बहनें टकली हैं। हमने इनके विग लगवाए हुए हैं, और ये सच मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये देखिए, ये मेरी बहन जो कंघी कर रही है, ये दोनों टकली हैं दोनों। गाइज अब ये चेंज करवाने हैं यहाँ पे, मत कर। तो चलो जी दोस्तों, ये तो दोनों लगी हुई हैं। मम्मी बेचारी सो रही होगी क्योंकि मम्मी कल बहुत थक गई थी और सुबह से उठाया हुआ था हमें 3 बजे से। मम्मी का देखते हैं, नौकरी देती हूँ, माँ ही है, क्या नौक करना। सो रही है लगता। ओ मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नहा लिया? और मुझे ना आंखें कितनी सूजी हुई हैं आपकी। और ये नहीं नहीं सूजने दो, और ये जो क्या मर्जी हो, ये क्या कर रहे हो? तैयार हो रही हो? किस चीज़ के लिए? बोला नहीं था रात को कि मैं लेके जाऊंगी शॉपिंग के लिए? ओह नो, कहाँ शॉपिंग के लिए लेके जाऊंगी? ओ माता, बैठो, गर्मी कितनी है बाहर। नहीं गर्मी होगी, बरसात होगी, मैं जाना ही जाना था। अमृतसर की मशहूर ब्यूटी पार्लर वाली, यानी कि कमला ब्यूटी पार्लर, मिसेस कमला के काजल कैसे लगाते हैं? सांस भी लेनी, पहले नशीली आंखें बनानी है और मुंह ऐसे बकरे जैसा बनाना है। कैसे मम्मी? ऐसे यार। अच्छा ये मुंह नहीं खोलोगे तो क्या होगा? बंद करो मुंह, मुंह बंद करो, मुंह बंद करके लगाओ तब भी तो लगेगा। हाँ देखो लग रहा है ना, खोल के लगाओ मुंह भी, लंबा करो। इसमें मेरी मर्जी, मुंह खोलोगे मुंह बंद रखो। जैसे भी जाओ आपको क्या, मैंने अपने आंखें से हो चुकी हूँ, और आप देख रहे होंगे कि पीछे गोला सो रहा है, तो हम गोले का वेट कर रहे हैं कि जब वो उठे तो हम निकलेंगे। फुल रेडी हूँ मैं, ये देखिए। चक्का चक, भूख भी लग रही है गोले। तो आए गाइस, बाज़ार पहुंच चुके हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है
मम्मी और गोले को मुन्ना घर छोड़ने गया है, मतलब विला में। सो हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। मेरी बहनों ने जो उम्मीद या अपना जो मुंह सवारा हुआ था कि जाकर भरपूर मेला लूट ही लेंगे शॉपिंगों से, कुछ नहीं मिला। मिले हैं तो सिर्फ 5 टाइगर बाम, जो हमारा सर दुखता है खुद ही बोल बोल के उसके लिए। क्या कुछ मिला कि नहीं? निराशा? अरे एटीट्यूड में ही आ गई, चली गई आगे। स्ट्रीट की शॉपिंग छोड़ के हम लोग मॉल में आ गए हैं। मॉल में देखते हैं कुछ शॉपिंग करने को है कि नहीं। बट ये प्यारी, बड़ी प्यारी प्यारी चीज है यार। मिस यू हर्ष। ये देखो, ये सारी चीज़ें ना बॉम्बे, अमृतसर, सब जगह मिल जाती हैं, लेकिन ये यहाँ से कुछ लेंगी ज़रूर। इनको होता है कोई निशानी, कोई यादगार रखे। मगरमच्छ, मगरमच्छ। क्या? मगरमच्छ। क्या क्या क्या? मगरमच्छ। मगरमच्छ फिर से भूल रहे हैं? ओ तड़ी दी। हम ये वही चौक पर आ गए हैं। इस चौक का नाम हमें पता नहीं, लेकिन मगरमच्छ की स्मेल से इस चौक का नाम है चौक। अरे बुरे हाल हो गए गाइस, इतनी गर्मी है। फाइनली हम एक जगह पे बैठ गए हैं। एक जगह पे क्या, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे बैठे हैं। और ये यहाँ पे वैन लगी है कॉकटेल मॉकटेल की, तो हमने 3 मॉकटेल बनाए हैं। उसका नाम है पीना, क्या पी के, पीना कोलाड़ा, पीना कोलाड़ा। सो देखते हैं पी के कैसा है वो। सो हम चल पड़े हैं फिर पैसा खर्चने के लिए, क्योंकि अभी इनका पैसा खर्च नहीं हुआ है ना। नहीं हुआ ना पिंकी, अभी नहीं हुआ है ना। तो वैसे कैसे इंडिया वापस जा सकते, पैसा ही नहीं खर्च हुआ। सो हाय गाइस, हम घूम के आ गए अभी पटाया की मार्केट। कुछ भी नहीं मिला। जो चीज़ें बॉम्बे में मिलती है ना, वही सब यहाँ पे लगी हुई है, लिंकिंग रोड वाली, सब यहीं पे है। सो मैं कहती खाओ पियो, इंजॉय करो, चिल करो। बहुत सारी जगहें हैं, एनिमल्स देखने जाओ, शेर के बच्चों को दूध पिलाओ, मगरमच्छ देखो। ये मगरमच्छ देखा था आपने, कैसे भून रहा था वो। गाइस, मैं आप सबको गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि मैं आ चुका हूँ बैंकॉक में। और जी हाँ, कल पता है क्या करने वाले हैं? कल हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि मैं आया और काम आ गया और हमको वापस जाना पड़ रहा है। तो बस यार, यही जिंदगी है भाई, क्या करें। 2 दिन आए बैंकॉक, देखा पटाया में, ये भाई साहब हमारे साथ है, लेके घूम रहे हमको। ये भी पूछ रहे हैं कि ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की, कल आए और आज जा रहे हो। तो गाइस, बैंकॉक एंजॉय करने में कुछ लोगों के अंदर से बड़े दुखी होते हैं, वो अंदर से खुश नहीं रह सकते। उनमें से एक मरी हुई वेल मछली की तरह सॉरी, लेकिन एक ऐसे निरस पड़ी हुई है, जैसे कहीं हम लोखंड वाला घूम रहे। अबे यार, इट्स पटाया, पटाया में हम एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे भाई, थोड़ा जोश दिखाना भारती। क्या आई थिंक मैं शादी में खुश नहीं हूँ भारती, शायद बैंकॉक बुला के मुझे तुम्हें यही बताना था ये बात मैं हिंदुस्तान में नहीं बता सकता था तुम्हें, और इसलिए भारती मैं शादी से खुश नहीं हूँ। हाय गाइस, सो हम लोग वापिस जा रहे हैं। हम आए तो बड़ा कुछ सोच के थे कि और 10-15 दिन यहाँ पे रहेंगे, लेकिन हर्ष ने अचानक ही आके हमें खुशी का माहौल दे दिया कि वापस जाना है कल ही। वो भी पता नहीं यहाँ पर यही बात बताने आया, यही बात बतानी थी तो फ़ोन पे बता देता, बट वो स्पेशली यहाँ पर आया कहने के लिए कि हमको कल वापस जाना है। तो आप, हम कल वापस जा रहे हैं। इस बार इतना शॉपिंग का भी मज़ा नहीं आया, गर्मी भी बहुत थी और मम्मी भी इतना चल नहीं पा रहे थे, और गोला भी था साथ में, तो गोले का भी मुँह लाल हो जाता था, तो उसको लाल देख के फिर हम लोग लाल हो जाते थे। तो ठीक है, लेकिन फ़न किया, घर से थोड़ा निकले, फ्लाइट थोड़ी 4-5 घंटे की, थोड़ा आपस में चिल किया। हमारा विला बहुत अच्छा था और बाकी सब ओके ही है। ठीक है, सो चलिए चलते हैं वापस मुंबई। सो गाइज, मैं यहाँ पे अकेली खड़ी हूँ बैंकॉक एयरपोर्ट पे। सब लोग अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, मम्मी और गोला और हमारी गोले की नैनी सब लाउंज में है। कुछ भी नहीं है ख़रीदने को, गुस्सा चढ़ी जा रहा है ना, बैंकॉक में मिला कुछ।
फ्री में गर्मी में गए और ऊपर से हर्ष आ गया वापिस जाना है मुझे, तो हम लोग वापिस जा रहे हैं। अभी एयरपोर्ट पे भी कुछ नहीं मिल रहा, जो जो यहाँ पर है वो सब है हमारे पास, और डबल खरीद के क्या करें, जा रहे हैं हम वापिस। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं वापिस आ गई अपने देश, अपने भारत इंडिया। बहुत ही गुस्सा चढ़ा, हर्ष सिर्फ बैंकॉक घूमने नहीं गया था, सिर्फ यही बोलने आया था कि वापिस चल, शूट आ गया तो हम वापिस आ गए। कोई बात नहीं यार, घूमना फिरना तो चलता ही रहता है, अगर काम होगा पैसा होगा तो और जगह घूमेंगे। बस गोला अभी छोटा है, उसको पता नहीं चला कि वो कहाँ गया था और कहाँ वापिस आ गया, बड़ा होता तो बहुत चिल्लाता। सो गाइस वापिस आ गए हम, थैंक यू सो मच हमारा बैंकॉक का ये वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया, और लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।